बहुजन समाज के लोगों को, क्योंकि एक दिन में इतना बड़ा संगठन नहीं बनता, क्योंकि इस देश में कोई मोहल्ले की लड़ाई नहीं है, स्टेट की लड़ाई नहीं है, देश की लड़ाई है। चाहे प्रकाश जी अंबेडकर हो या वो रावण हो या और इनके जैसे कई स्टेट वाइज नेता हो स्टेट में, जो एक एक दो दो विधानसभाओं में या लोकसभा में जिनका कार्य क्षेत्र है, तो ये उनकी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है फुले शाह अम्बेडकर बार बार बता रहा हूँ वर्सेज गांधी गोलगोलकर, और ये दिल्ली की लड़ाई है। लोगों को कि जब से आकाश आनंद उत्तराधिकारी उनको बनाया गया है, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि बहन मायावती के माध्यम से जो एक्टिवनेस अब समाज के बीच में जाकर जो कुछ होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है, आकाश आनंद उसकी भरपाई कर पाएंगे, लेकिन अब आकाश आनंद भी उस एक्टिव मोड में कहने के नज़र नहीं आ रहे हैं। देखो एक्टिव है कि नहीं है करके देश की जनता को पता चलता है कि जब मीडिया बताती है, तो डिफरेंट दोनों का काम करने का तरीका है। तो ऐसे में उनसे कंपेयर करना कि भैया वो रास्ते पे तो हम रास्ते पे क्यों नहीं है, वो इसलिए रास्ते पे है क्योंकि उनका समाज रास्ते पे नहीं है, और हम इसलिए बैठ के प्लान हमारा जो होता है क्योंकि हमारा समाज रास्ते पे लगा। और मैंने कहा कि मैं बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, बसपा को की सरकार बनाने के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, इस देश में हर कार्यकर्ता। तो बाबा साहब ने जो प्रतिनिधित्व की जो परिभाषा थी कि वो जो समाज का जो है, समाज के लिए लड़ने वाला साठ होना चाहिए, ये तो गाड़े में झुकने वाले पहल है। लेकिन लोगों का कहना ये है कि बसपा ही खुद नहीं चाहती इस गठबंधन में आना, तमाम राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस की तरफ से बार बार ये कोशिश की जा रही कि बसपा इंडिया गठबंधन में आए, लेकिन गठबंधन में आने का जो रवैया है वो बसपा का ही खुद का नहीं है। ये सोच रहे कि भाई कांग्रेस से पैक्ट हो जाना चाहिए, लेकिन वो नैसर्गिक पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि क्या है कि आखिरी में मैंने बताया कि इस देश में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी लड़ाई नहीं, फुले शाह अंबेडकर वर्सेस गांधी गोलवलकर और 100 महापुरुषों की लड़ाई। लोकसभा 2024 के चुनाव की तस्वीरें अब लगातार सामने हैं, और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी मैदान में पूरी तरीके से नजर आ रही है। इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा सुर्खियों में लगातार बहुजन समाज पार्टी को देखा जाता है, और कटघरे में खड़े भी करने का काम बीएसपी को ही किया जाता है, क्योंकि सवालों के घेरे में जितना बीएसपी को घेरने का काम तमाम राजनीतिक पार्टियां कहे या फिर जो मीडिया चैनल कहे वो करते हैं, इसके आधार पर बहुजन समाज पार्टी को कहने के वास्तविकता के आधार पर किस तरीके से उसकी रणनीतियाँ होगी लोकसभा 2024 के चुनाव में अकेले लड़ने की बात बसपा की तरफ से की जा रही है, उसके आधार पर क्या कुछ बसपा तमाम जमीनी स्तर पर काम कर रही है, उसके पीछे की क्या रणनीति है, उन तमाम चीज़ों को लेकर आज हम चर्चा बातचीत करने वाले हैं। और आज हमारे साथ में मौजूद है बहुजन समाज पार्टी के गोंदिया जिले के जिलाध्यक्ष सुनील भरने जी, जो कि बहुजन समाज पार्टी के नेता भी हैं। उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ रणनीतियां हैं 2024 की महाराष्ट्र के साथ साथ खासतौर पर देश में बहुजन समाज पार्टी की और उत्तर प्रदेश में। तो आज की चर्चा को हम शुरू करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जय भीम नेशनल चौपाल जी। सर जिस तरीके से अब पूरी राजनीतिक तस्वीरें हम देख रहे हैं बहुजन समाज पार्टी लेकर, बताया गया है बहन मायावती ने साफ कर दिया अकेले लड़ेंगे, अकेले लड़ने की बात की जा रही है 2024 का चुनाव, इंडिया गठबंधन में शामिल होने की बात बसपा की तरफ से लगातार की जा रही थी, प्रधानमंत्री की दावेदार के तौर पर भी बहन मायावती को साबित करने की कोशिश चल रही थी, हो कुछ नहीं पाया है। बसपा को लेकर अब ये है कि अपने बलबूते पर लड़ने की जो बात है, ज़्यादा कुछ अब बसपा अकेले लड़कर कुछ नहीं कर पाएगी, यही अब एक चर्चा का विषय बन चुका है, क्या कहेंगे इस पर? बसपा का जो बेसिक है, या बसपा का बेसिक बोलने से अच्छा ये महापुरुषों का नजरिया है, क्योंकि बसपा जो है ये महापुरुषों के नजरिए से चलती है। तो अभी जिस टाइप से देश में माहौल चल रहा है कि बीजेपी को हराना है तो गठबंधन करना जरूरी है, तो इस देश में जो भी देश का मीडिया और जो बताया जा रहा है कि इस देश में गांधी और गोलवलकर की लड़ाई है, यानी बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई है, तो ये सफ़ेद झूठ है। इस देश में गांधी गोलवलकर वर्सेस फुले शाह अम्बेडकर की लड़ाई है, और गांधी गोलवलकर का प्रतिनिधित्व करने वाले इस देश में मात्र 15% लोग हैं, जबकि फुले शाहू अम्बेडकर, संत जगनाड़े महाराज, संत तुकाराम महाराज, संत रविदास महाराज, ऐसे 109 महापुरुष जो बहुजन समाज के हैं उनका प्रतिनिधित्व करने वाली बहुजन समाज पार्टी है। तो वैचारिक रूप से
बहन मायावती जी, अभी ऐसा है कि मैं तो एक जिले का जिलाध्यक्ष हूँ, छोटा कार्यकर्ता हूँ, और क्योंकि आपके जो नेशनल चौपाल के माध्यम से आपने जो प्रश्न किया मुझे पूछा, तो मैं अपने विवेक बुद्धि से बात कर रहा हूँ। ये कोई पार्टी के अथराइज मैं नहीं बोल सकूँगा, क्योंकि आखिरी में बहन जी का जो निर्देश है या प्रदेश के लोगों का निर्देश ही हमारे लिए आदेश होता है। लेकिन फिर भी जो इस देश में जो माहौल चल रहा है कि बसपा को जो अलग थलग करने का जो इनका षड्यंत्र है, एक्चुअल में बसपा को अलग थलग नहीं करना है, तो इस देश में जो माननीय कांसीराम साहब के माध्यम से इस देश में जो बहुजन समाज में चेतना आई और इस चेतना का कहीं विकराल रूप ना हो जाए, बहुजन समाज के लोग हमारी गुलामी से कहीं मुक्त ना हो जाए, अपने अधिकार मांगने ना लग जाए, तो इसीलिए ये इस टाइप का प्रोपोगंडा है। और उसमें जो कुछ हमारे भी जो वोटर है, हमारे जो बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले या उसके बारे में अच्छा सोचने वाले लोग भी ये सोच रहे कि भाई कांग्रेस से पैक्ट हो जाना चाहिए, लेकिन वो नैसर्गिक पैक्ट नहीं होगा। क्योंकि क्या है कि आखिरी में मैंने बताया कि इस देश में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी लड़ाई नहीं, फुलेशव अंबेडकर वर्सेस गांधी गोलवलकर और 100 महापुरुषों की लड़ाई। तो और क्या है कि बड़े मुश्किल से अभी जो है मान के चलो आज इतने सालों पहले जो बाबा साहब ने भी कहा कांग्रेस जलता हुआ घर है, और माननेश्वर साहब ने जब बसपा खोली तो विपक्ष तो बीच कांग्रेस ही थी, उसमें बीजेपी तो पैदा की गई है ना। जैसे पहले हम लोग देखते हैं कि जब कांग्रेस और रिपब्लिकन पार्टी की लड़ाई हुआ करती थी हमारे महाराष्ट्र में, तो बाबा साहब ने जो द्विपक्षीय जो पार्टियों की बात कही थी, एक 15% के लोगों की कांग्रेस और 85% के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली रिपब्लिकन, तो रिपब्लिकन सारे देश में सेकंड में आती थी, तो सेकंड में आने वाली पार्टी कहीं फर्स्ट में ना आ जाए, तो इसलिए इन्होंने अपनी ही पार्टी पैदा कर दी। हमारे नागपुर में गोंदिया में भी वो सेकंड में रिपब्लिकन पार्टी रहती थी, तो उन्होंने बीजेपी पैदा कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता था कि सेकंड पार्टी जीत जाएगी, इसलिए उन्होंने सेकंड पर्याय दे दिया। तो फिर वो जो है, और रिपब्लिकन के जो नेताओं ने कहीं ना कहीं सरेंडर हो गए कि उनमें नहीं हो सकता कि मानसिकता डेवलप हो गई, तो इसके वजह से क्या हो गया कि रिपब्लिकन का पतन किया गया। तो रिपब्लिकन का पतन हुआ नहीं था, रिपब्लिकन पार्टी का पतन मनुवाद ने बड़े प्लानिंग से किया था, और वही षड्यंत्र आज के तारीख में, यानी फंसाने की जो बात है बसपा को या बहन मायावती जी को, तो ये फंसाने का षड्यंत्र के तहत जो एटमॉस्फेयर चल रहा है, और देखते हैं अपन कि वो क्या करते, एक पर्याय खड़ा करते हैं और पर्याय को मीडिया देते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में क्या है, चंद्रशेखर रावण है, उसको पर्याय दे दिया, उनको बीजेपी, उसको रावण से खतरा नहीं है तो उनको बसपा से खतरा है, क्योंकि ये फुलेशव अंबेडकर का आंदोलन है। बसपा को लेते समय वो राष्ट्रीय लेवल पे विचार करते हैं कि भैया ये तो राष्ट्रीय लेवल में महापुरुष जो है ना, 85% लोगों को कहीं स्वाभिमानी ना बना दे, तो उनको डैमेज करने के लिए, जैसा वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद है, हमारे महाराष्ट्र में देखेंगे प्रकाश अंबेडकर जी हैं। जबकि प्रकाश अंबेडकर जी, मेरा ऐसा मानना है कि मैं आपके इस चैनल के बारे में बता दूँ कि मैं कोई बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग काम नहीं करते, या बहुजन समाज पार्टी को इस देश की शासनकर्ती जमात बनाने के लिए हम लोग काम नहीं करते। तो बसपा का कार्यकर्ता बहुजन समाज को उसके मानवीय अधिकार मिले, उसके सत्ता में भागीदारी मिले, उसके जिस इस देश में जो संविधान ने जो बराबर का अधिकार दिया वो राइट्स मिले, तो इसलिए पार्टी है। पार्टी के लिए हम नहीं, हमारे लिए पार्टी है, यानी बसपा को, यानी बाबा साहब ने भी, माननीय साहब ने भी कहा, बहन जी भी कहती कि ये व्हीकल है ये। तो आज के इस कठिन घड़ी में हमको, क्योंकि देखो कोई भी संगठन एक दिन में खत्म पैदा नहीं होता, आज बसपा को भी इतने साल लग गए बनने के लिए और यहाँ तक आने के लिए। जी सर, सवाल लूँगा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं देश की वास्तविकता है, आपने बताया कि कैसे बसपा अकेले लड़ने का काम कर रही है या फिर उसने क्यों निर्णय लिया, लेकिन लोगों का कहना यह है कि बसपा ही खुद नहीं चाहती इस गठबंधन में आना। तमाम राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस की तरफ से बार बार ये कोशिश की जा रही कि बसपा इंडिया गठबंधन में आए, लेकिन गठबंधन में आने का जो रवैया है वो बसपा का ही खुद का नहीं है। ये षड्यंत्र है। सबसे बड़ी बात, बहन मायावती जी कोई रामदास आठवले नहीं है कि ये उतने दूर से आवाज़ मारते रहे और बहन जी दौड़े चले जाएगी।
तो बहन जी सिर्फ बसपा का प्रतिनिधित्व नहीं करती एक पार्टी का, ये 85% बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व करती है। तो बहन जी को जो है इस कांग्रेस को, उनको ये जो कांग्रेस जो है स्पेशली कांग्रेस बीजेपी को मैं अलग पार्टी नहीं मानता, क्योंकि आज हम देखते हैं कि अगर कांग्रेस विपक्ष होती तो कहीं ना कहीं ईवीएम के मुद्दे को उठाती, क्योंकि ईवीएम का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है। आज अगर मोदी 50 सीट नहीं चुन के अगर ईवीएम नहीं, तो उसको मोदी का कॉन्फिडेंस ही ईवीएम है। तो जब कांग्रेस को मालूम है पूरे देश में जब ईवीएम का माहौल चल रहा है और ईवीएम के लिए वकील संगठन या दूसरे और भी संगठन के लोग रात दिन दिल्ली में मोर्चे धरने आंदोलन कर रहे हैं, और ये राहुल गांधी पूरे देश में जो अपना अभियान चला रहा है, तो राहुल गांधी को अगर सही में ईवीएम जो है ईवीएम को ख़त्म करना है या कांग्रेस की सरकार बनाना है मान के चलो, तो वो ईवीएम पे वार करता, क्योंकि कांग्रेस को मालूम है कि ये मोदी ईवीएम की पैदावार है, तो कांग्रेस क्यों नहीं ईवीएम का विरोध करती, ये छोटे मोटे लोग जो है ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, तो ये इनकी पॉलिसी है। तो रही बात बसपा की, आपने कहा बताया, तो ये जो कांग्रेस है इन्हें बस बहन जी को जो है इन्हें ये खुद चाहते कि बसपा का हमारा समझौता ना हो, क्योंकि बसपा से समर्थ अगर समझौता हो गया तो इनको पूरे देश में टिकट हमको देना पड़ेगा, कोई रामदास आठवले थोड़ी है। तो यूपी के साथ साथ आज पूरे देश में हमारे 2%, 4%, 5%, 6% वोट है ना, कई विधायक है कई, तो वहाँ भी हमको प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। और वहाँ अगर इन्होंने हम उनको पता है कि यहाँ प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा, और प्रतिनिधित्व अगर वहाँ दे दिए तो हर राज्य में एक दो सांसद आ गए तो ये पूरे देश में पार्टी खड़ी हो जाएगी, और जो हमारे तरफ जो इन्होंने जो माहौल बना के जो हमारे वोटर को जो मिसगाइड किया वो वोटर फिर से रिवर्स आ जाएगा। तो ये मैं मानता हूँ कि कुल मिला के षड्यंत्र है कि बहन जी को बदनाम करने का, कि बहन जी जो है वो गठबंधन में नहीं आ रही, ये सफेद झूठ है। बहन जी को ये मीडिया वाले कैसे कि मीडिया इनका सारी चीज़ें, तो ये माहौल बना रहे जबकि ये खुद अंदर से नहीं चाहते। और इनको अगर मोदी को हराना है तो क्यों नहीं बहन जी को प्रधानमंत्री, अगर ये सही में ईमानदार परस्त लोग है तो आज, और ये दलितों की पिछड़ों इसकी बात करते हैं, तो बड़े मन से ये भी तो बोल सकते थे कि कितने दिन पहले इनको मौका मिला कि बहन जी हम चलो आपको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं तो चलो देश भर में, क्यों नहीं, क्योंकि इनकी दुकान है, ये दलितों का कोई हित चाहते नहीं। अगर दलितों का हित चाहते तो ये बीजेपी तो अभी कल परसों पैदा हो गई, ये पहले ही कर देते ना। तो बीजेपी की माँ तो कांग्रेस है और ये बहन जी को अच्छी तरह पता है, और इस देश में ये माहौल चल रहा है बसपा के खिलाफ। मैं समझूंगा, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये बसपा के खिलाफ आंदोलन माहौल नहीं है, तो ये बहुजन समाज के खिलाफ माहौल है, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुजन समाज पार्टी के रणनीति के आधार पर अगर देखें, तमाम राजनीतिक पार्टियां रोड़ों रास्तों पर नज़र आ रही है, उनकी रणनीतियां देखने को मिल रही है। राहुल गांधी लंबे समय से जिस तरीके से जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, उनके साथ में अब अखिलेश यादव भी जुड़ चुके हैं, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अब रोड़ों रस्तों पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन बसपा की रणनीति उस तरीके से देखने को नहीं मिलती, बसपा कहने की अपनी एक्टिव मोड में अभी भी नहीं आ पाई है, और ये भी सवाल लगातार उठाया जा रहा है कि बसपा कहीं ना कहीं नज़र नहीं आ रही, क्या बताएंगे सर? देखो बहन जी उस 85% का प्रतिनिधित्व करती जो खुद रस्ते में है, और ये 15% वाले जो रस्ते में आते हैं वो एक्टिंग करते हैं, उनका समाज रस्ते पे नहीं है। तो रस्ते पे आना मुझे क्या करना, रस्ते पे आके करते क्या ये हाथ हिला के एक्टिंग करके? तो हमारे जो कार्यकर्ता, हम तो जन जन में जाके मोटिवेट करते लोगों को कि भैया क्यों ये जो है ये तुम्हारा शोषण क्यों हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो रही बात जो है हमारे बहुजन समाज का शोषण हो रहा है, आज भी जो है ये लोग टिकट देते तो ब्राह्मण बनियों को ही देते, और अगर फिर भी SC ST OBC को देना रहेगी तो उसके चमचे भड़वों को देते। तो बाबा साहब ने जो प्रतिनिधित्व की जो परिभाषा थी कि वो जो समाज का जो है समाज के लिए लड़ने वाला सांड होना चाहिए, ये तो गाड़े में झुकने वाले बैल है, तो बैल तो जो है ये प्रतिनिधित्व करते ही नहीं समाज का। तो इनका कुल मिला के जो है अगर ये ईमानदार होते तो जो रियल प्रतिनिधित्व जो समाज का करते हैं, SC ST OBC का, जो अल्पसंख्यक समाज का करते हैं, उनको नेता बनाते। ये तो चुन चुन के उस जिस दुश्मन को, यानी जो उस कौम के दुश्मन को या गद्दार को या चमचे भड़वे को ये लोग आमदार खासदार बनाते, और नहीं तो 131 तो सांसद हैं कांग्रेस बीजेपी के भी है, तो SC के SC ST के पूरे देश में 1200 विधायक है, लेकिन संविधान जहाँ पे
भी बात आ रही है तो एक भी संविधान के लिए नहीं उठ रहे। तो इस देश में प्रतिनिधित्व अगर कोई कहीं से मिलेगा तो बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से ही देश में प्रतिनिधित्व मिलेगा। और मैंने कहा कि मैं बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, बसपा को की सरकार बनाने के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, इस देश में हर कार्यकर्ता। तो बहुजन समाज को सम्मान दिलाने वाली पार्टी है, इसलिए इनके नज़रिए और हमारे काम करने के तरीके में अलग है। वो कांग्रेस बीजेपी बाकी पार्टी, उनके पास बताने सुनने के लिए कुछ नहीं है ना, उनके उनका उनके लिए हमारे दिल में दर्द थोड़ी, इसलिए एक्टिंग करते हैं। और हम एक्टिंग नहीं करते ना, हमारा बसपा इस देश में एक ऐसी पार्टी की जिसका डिफरेंट काम करने का तरीका, बसपा का आदमी जो है बहन जी जो प्रोग्राम देती है उसको जन जन तक गाँव के आखिरी आदमी तक पहुँचाता है, ये तो बस अपने रुपये पैसे लगा के करता है। तो ऐसे बताओ कौन से पार्टी में कार्य करता है, वहाँ तो सब रेडीमेड मिल जाता है, खिलाना पिलाना गाड़ी घोड़ी ये सब। यहाँ तो हमारा कार्यकर्ता गरीब से गरीब होगा तो 10 रुपये जेब से निकल। तो डिफरेंट दोनों का काम करने का तरीका है। तो ऐसे में उनसे कंपेयर करना कि भैया वो रास्ते पे, तो हम रास्ते पे क्यों नहीं है, वो इसलिए रास्ते पे है क्योंकि उनका समाज रास्ते पे नहीं है, और हम इसलिए बैठ के प्लान हमारा जो होता है क्योंकि हमारा समाज रास्ते पे है। आकाश आनंद को बहन मायावती ने अपना उत्तराधिकारी बनाया है, और उम्मीद थी लोगों को कि जब से आकाश आनंद उत्तराधिकारी उनको बनाया गया है, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि बहन मायावती के माध्यम से जो एक्टिवनेस अब समाज के बीच में जाकर जो कुछ होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है, आकाश आनंद उसकी भरपाई कर पाएंगे। लेकिन अब आकाश आनंद भी उस एक्टिव मोड में कहने के नज़र नहीं आ रहे हैं, यही लगातार सुर्खियाँ बनी हुई, लोगों का यही कहना है, क्या बताएंगे इस पर? देखो एक्टिव है कि नहीं है करके देश की जनता को पता चलता है कि जब मीडिया बताती है। अभी आकाश आनंद जी अभी पूरे 1 मार्च से लेकर 10 मार्च कुछ हरियाणा में जो उनका अभियान चल रहा है, तो क्या वो रास्ते पे नहीं है? बहन जी हर रोज़ मीटिंगें लेती है, कार्यकर्ताओं से बात करती, तो क्या वो रास्ते पे नहीं, सक्रिय नहीं है? तो महात्मा फुले ने कहा था मराठी में, प्रचाराचे बोंड खपे और बगर प्रचाराचा सोना नहीं खपे, यानी प्रचार पे घास भी बिक जाता है और बगर प्रचार के सोना भी नहीं बिकता। तो ये जो मीडिया के माध्यम से दिखाया जा रहा रास्ते पे, ये घास है इनके एक्चुअल में। तो आकाश आनंद जी की भी बात है, वो रास्ते पे है, मतलब अपने रास्ते में ये इनके जैसा नहीं है, लेकिन ये मीडिया नहीं है। यानी इस देश की जनता को भी, खासकर बहुजन समाज की जनता को मैच्योर्ड होना पड़ेगा। उसको ये एक्टिंग फैक्टिंग के चक्कर में इम्प्रेस होने के बजाय, और मैं समझता हूँ कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम लोग किसके लिए काम कर रहे हैं, बहुजन समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो देखो ये बसपा संगठन, मैं ये मानता हूँ कि आज कठिन परिस्थिति में बसपा गुजर रही है, उसमें मानने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब बहन जी की सरकार आई थी तब उस समय उन पर काम नहीं किया गया धीरे धीरे, लेकिन जब बाद में जब हमने उन्होंने देखा कि भैया ये तो उस पर के बाद काम हुआ, और मिसगाइड करना, इनके पास मीडिया है, वातावरण की निर्मित ये सब करना, तो बहुत बार जो है ये जो कन्फ्यूजन। लेकिन मैं ये समझूंगा, बताना चाहता हूँ बहुजन समाज के लोगों को, क्योंकि एक दिन में इतना बड़ा संगठन नहीं बनता, क्योंकि इस देश में कोई मोहल्ले की लड़ाई नहीं है, स्टेट की लड़ाई नहीं है, देश की लड़ाई है। चाहे प्रकाश जी अम्बेडकर हो या वो रावण हो या और इनके जैसे कई स्टेट वाइज नेता हो स्टेट में, जो एक एक दो दो विधानसभाओं में या लोकसभा में जिनका कार्य क्षेत्र है, तो ये उनकी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है फुलेश्वर अम्बेडकर, बार बार बता रहा हूँ, वर्सेज गांधी गोलगोलकर, और ये दिल्ली की लड़ाई है। तो हमको दिल्ली का ही संगठन लगेगा भाई, दिल्ली को ही आज ठीक है बसपा बहुत पीछे, लेकिन कहीं ना कहीं बहन जी किस तो चर्चा होती है, बसपा किस तो चर्चा होती है, और किसकी चर्चा होती है राष्ट्रीय लेवल पे। यानी कहीं ना कहीं वो भी ये मानते हैं कि इस देश में अगर फुलेश्वर अम्बेडकर का विचारों पर चलने वाली 85% लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई पार्टी है, ये बहुजन समाज पार्टी है। अब प्रकाश के लोगों को उनको मालूम है, सवर्णों को, बस हमारे लोगों को मालूम होना बाकी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बसपा को इतना बड़ा करने के लिए, और काम करते समय हो सकती है ना गलती, बहन जी की भी हो सकती है, कोई विषय नहीं है, किसी की भी गलती हो सकती है। तो इतना बड़ा संगठन है आज बसपा, आज मुझे बताओ कोई भी संगठन खड़ा करेंगे कब बड़ा होगा, कब क्या होगा, कितनी पीढ़ियां बर्बाद करेंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि बसपा में गलत भी हो रहा है तो ठीक है, पेशेंस रखो ना आप। आप क्या कांग्रेस को वोट दे देंगे? बाबा साहब ने बोला कांग्रेस जलता हुआ घर है, तो बाबा साहब गलत थे क्या भाई? इनका मुंह लेकर ही है। तो आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, समय के से भी घाव भर जाते, बहुत कुछ हो जाती है। मैं ये आह्वान करना चाहूँगा कि इतना बड़े संगठन को बनाने एक दिन नहीं लगता। आज 85% का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र पार्टी बसपा, बाकी जो सपा भी है या जो भी है, तो वो उनको फुलेश्वर अम्बेडकर का टच ही नहीं है ना। जिस पार्टी को इस देश में फुलेश्वर अम्बेडकर का टच नहीं है, उनको विचारधारा को सक्सेस, वो जो सपना है जो 1585 का, पूरा हो नहीं सकता। राजनीतिक अभी यहाँ शरद पवार भी मराठा बहुजन समाज जिसको बोलते हैं,
उसने तो कांग्रेस बीजेपी जैसी राजनीति किया, तो वो तो है ना। तो ऐसे राजनीति से नहीं होगा। जो संविधान में जो 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 फार्मूला जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संख्या के आधार पर दी है, उसको लक्ष्य बनाकर उस पर चलने वाली पार्टी होना, तो मैं लोगों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि एक दिन में इतना बड़ा संगठन नहीं बनता। इसको अगर कल ख़त्म कर दोगे तो दोबारा बोलने वाला कौन है? ठीक है, हम जो भी राजनीतिक रूप से, लेकिन आज देश में ताकत तो है कहीं ना कहीं। कल एक आध अच्छा डिसीजन हो जाए, कुछ हो जाए, तुम्हारे जो भी कुछ बात हो जाए, तो कल बसपा ही राष्ट्रीय लेवल पर खड़ी हो सकती है या बसपा ही इनको टक्कर दे सकती है, क्योंकि उसके व्यतिरिक्त दूसरी पार्टी है ही नहीं कि जो जो है ये कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देने वाली। और तुम कब बनाने वाले? और इतना बड़ा डिवीजन कहाँ से कांशीराम साहब लाओगे, कहाँ से बहन जी लाओगे? 10 सांसद बहुजन समाज पार्टी के बीते लोकसभा चुनाव में जीत कर आए, और 10 सांसदों के बाद आज वर्तमान स्थिति में अगर देखा जाए तो वो तमाम जो 10 सांसद है वो अनेकों राजनीतिक पार्टियों में अपनी जमीन खोजते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये सवाल उठता है कि अगर ये जो 10 सांसद बहुजन समाज पार्टी के दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं तो क्या इससे ये नहीं होगा कि बसपा पर इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, बड़ा फर्क पड़ेगा, वोट बैंक में भी फर्क पड़ सकता है, और लगातार बसपा को लेकर जो नकारात्मकता समाज में देखने को मिल रही है, अगर ये 10 सांसद तमाम राजनीतिक पार्टियों से लगातार संबंध बता रहे, जिसमें रितेश पांडे हो जाए, दानिश अली हो जाए, वो तमाम राजनीतिक पार्टियों में देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे में अगर ऐसा हो जाता है तो बसपा के वोट बैंक में निश्चित रूप से असर पड़ेगा, ऐसा नहीं लगता आपको? देखो, जो सांसद है या विधायक है या जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो बसपा में, वो क्या बोलेंगे कि बसपा नहीं है बोलेंगे। बसपा का मतलब वो संगठन, कार्यकर्ता नेता पैदा करते हैं, आमदार खासदार कार्यकर्ता बनाते हैं। तो ये जो है अभी तो देश में ये मानने को कोई गुरे ये नहीं है कि थोड़ा सा एक दौर है जो आदमी के भी लाइफ में आता है, वैसे एक दौर हो सकता है बसपा का कन्फ्यूज़न का कोई चीज़ का। तो ये मैं मानता हूँ कि ये मनुवाद की मार है, मनुवाद का असर है जो हमारे भी लोग कहीं तो भी। तो रही बात 10 सांसद की, तो सांसद विषय नहीं है, सांसद से बढ़ के जो विचारधारा है, जो आइडियोलॉजी है। और रही बात अभी रितेश पांडे है, जो भी हो अब वो यूपी में कैसा इतने परसेंट अपर कास्ट है तो उस आधार पे, और मानवतावाद ये किसी भी कोई भी समाज कोई भी व्यक्ति में हो सकता है, क्योंकि जातीय नैसर्गिक नहीं है, मानव नैसर्गिक है, जातीय मानव निर्मित है, तो हर आदमी के दिल में फीलिंग हो सकती है, तो उस आधार पे हम लोग मानवतावाद का आंदोलन चलाते, इसलिए ब्राह्मण बनियों को भी, लेकिन उनके दिमाग में जात है जो जा नहीं रही है, तो इसलिए, लेकिन आज हम देखेंगे उस आधार पर बात करेंगे। तो सारे अपर कास्ट जो है बीजेपी में चले गए, एक समय वही अपर कास्ट सारे थे वो कांग्रेस में थे, तो ये तो सिद्ध हो गया, सिद्ध है ये। हमारे लोग नहीं समझ रहे कि भैया कांग्रेस बीजेपी अपर कास्ट की पार्टी है, अपर कास्ट की जो है वो मालकियत की पार्टी है, तो बहुजन समाज की अगर पार्टी कोई है, बगैर बहुजन समाज के मालकियत की कोई पार्टी है तो वो बसपा, बसपा और बसपा ही है। रही बात सांसद की, तो ये आते जाते रहेंगे, अभी ठीक है गए हैं वो अपने पर्सनल हित साधने गए, हेतु साधने गए हैं तो, लेकिन बसपा के जो मिशनरी कार्यकर्ता है वो इन चीज़ को तवज्जो नहीं देते। क्या है, एक स्वाभिमान भी कोई चीज़ होता है ना, कि भाई कोई एक सिद्धांत जो है, ये बसपा एक सिद्धांतवादी पार्टी है, स्वाभिमानी पार्टी है, तो हमारा अगर जो है ये पैदा किए जाएंगे कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, क्योंकि आखिरी में अगर ये सही में इनके औकात निर्दलीय चुन चुन के मतलब लड़ जाना चाहिए ना, इन्हें तो बसपा का वोटर था, वो बसपा ने जो भी है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, संगठन रहेगा तो ऐसे कई पैदा कर देंगे आमदार खासदार। तो आज के तारीख में जो है कार्यकर्ताओं ने या बसपा के चिंतकों को ये मेरा निवेदन है कि अच्छा बुरा समय आता है, लेकिन मुझे आप बसपा से बढ़ के कोई पर्याय बताओ जो बहुजन समाज के लिए। जी 2024 का भी जो चुनाव जिस तरीके से नज़दीक है, ऐसे में क्या कुछ अब रणनीति होगी बसपा के तरफ से, क्योंकि अकेले लड़ने की बात की जा रही है। अब आने वाले 24 के लिए अगर बात करेंगे, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी कहने के बसपा के टक्कर में है, और बीजेपी लगातार 400 से अधिक सीटें लाने का दावा कर रही है, ऐसे में बसपा अपनी रणनीति को लेकर किस तरीके से आने वाले चुनाव मैदान में होगी? देखो, बसपा जो है, मैं तो अभी आपने सपा वगैरह इधर की बात की, मैं तो अभी महाराष्ट्र में गोंदिया जिले का अध्यक्ष हूँ, तो मैं अपने जिले के अंतर्गत बात कहूँगा कि हम लोग अभी जो है गांव-गांव जो है जा रहे हैं, हम हमारे कर्मचारी साथियों को भी बता रहे हैं कि भैया आप ये कार्यकर्ताओं का आउटपुट हो समाज के, तो कहीं ना कहीं आपकी भी ड्यूटी है, आपने भी जो है ये इस बात को समझना चाहिए, और ऐसे समय में, क्योंकि ये कोई
व्यक्ति का संगठन नहीं है तो ये बहुजन समाज का संगठन है और बहुजन समाज के लिए व्हीकल है। तो इस सारे हम लोग तो लोगों के पास जा रहे बात कर रहे और क्योंकि देखो हम तो हमारा एक ऐसा मानना है कि भाई इस समय के जो लोग हैं हम लोग जो है इस युग के लोग हैं इस समय के लोग हैं हम लोग लाभार्थी लोग हैं। हम संघर्ष करने हमने जो है हमने गिरेबान में सारे लोगों ने हमने झांक कर लेना चाहिए कि हम जो हजारों साल तक जो लड़ाई लड़ी गई उनमें कितना पेशेंस रहा होगा उन हजारों साल से जो लड़ाई। उनके पास तो कुछ भी नहीं था, खाने को नहीं था, पहनने को नहीं था, कुछ नहीं था, तो उन्होंने लड़ाई निरंतर जारी रखा उसका 2000 साल 300 400 5 साल जो हर यानी निरंतर रही। तो आज इसके हम लाभार्थी है, ये युग ये जो लोग हैं आज के युग के ये लाभार्थी है। लेकिन ये जो समाज है जो लाभार्थी समाज इसने संघर्ष नहीं किया, इसने लड़ा नहीं, सिर्फ कार्यकर्ताओं ने या जो भी लड़े उनको सैल्यूट है लेकिन ओवरऑल समाज ने लड़ा नहीं। लेकिन जिसने नहीं लड़ा वही आज बता रहे कि हम कब तक लड़ेंगे। अरे भैया जो उन्होंने हजारों साल के लिए पेशेंस दिखाए तो तुम एक दो पीढ़ी का पेशेंस नहीं दिखा सकते? तो हमको क्या पेशेंस नहीं दिखाना चाहिए? आज बसपा में अगर इस टाइप की बात है तो आप यही लोग खत्म कर रहे हैं। अरे तो आप बसपा को खत्म नहीं कर रहे, अपने बाल बच्चों का जीवन खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं आप। तो मैं आपसे ऐसे लोगों से निवेदन करता हूँ कि हमने क्या एक पीढ़ी के लिए नहीं जीना चाहिए? बोलते यार कब तक लड़ेंगे, तुमने लड़े ही नहीं, तो तुम भी पेशेंस रखो, इस संगठन को बढ़ाओ, तो बढ़ाओगे तो उसके फायदे आपको जनरेशन को मिलेंगे, और नहीं तो आप इस जो है व्यवस्था के फुले श्याम अम्बेडकर के या महापुरुषों के आंदोलन के गरीब समाज के संघर्ष के को के संघर्षों के आखिरी लाभार्थी आप साबित हो जाओगे। अगर आपको इन संघर्षों के आखिरी लाभार्थी नहीं होना है, अपने इसको निरंतर आने वाली पीढ़ियों को भी इसका बेनिफिट देना है तो आपको आज जो है खड़े रहना पड़ेगा, इसके विचारधारा के लिए लड़ना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ पर हमने तमाम यहाँ पर चर्चा बातचीत की है बहुजन समाज पार्टी के गोंदिया जिले के जो जिलाध्यक्ष हैं सुनील भरने जी इनसे कि आखिर लोकसभा 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी की क्या कुछ रणनीतियाँ होगी। लगातार तो सवाल निशान खड़े किए जा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी को लेकर, उसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया है, उसका क्या कुछ जवाब हो सकता है, वो तमाम जवाबों से आपके साथ में हमने उनको रूबरू करने की कोशिश की है। तो आज की पूरी बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।